नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। जनपद अशोकनगर के चंदेरी के अस्पताल में विकृत अंगों वाले एक बालक के जन्म से क्षेत्र में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया, लेकिन डॉक्टर बता रहे हैं कि मेडिकल साइंस में इसका समाधान है और ऑपरेशन के द्वारा शिशु के विकृत अंगों को ठीक किया जा सकता है। आपको बता दें कि चंदेरी के ग्राम पीपरीधार निवासी पार्वती बाई पत्नी गोंडा नायक उम्र 27 वर्ष ने चंदेरी के अस्पताल में एक ऐसे बालक को जन्म दिया जिसका गुप्तांग नाभि पर है तथा पेशाब की थैली बाहर लटक रही है। नॉर्मल केस ना होने की वजह से परीक्षण के बाद यहां के चिकित्सकों ने इस केस को जिला अस्पताल अशोकनगर के शिशु वार्ड में रेफ़र कर दिया था, जहाँ से डॉक्टरों ने उसे भोपाल रेफ़र कर दिया है। बच्चे का वजन 2 किलो 400 ग्राम बताया गया है। डॉक्टर ने बताया कि इस प्रकार के मामले 1000 में से एक आध ही आते हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए अशोकनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। बच्चा आया था आपके पास जिसे आपने भोपाल रेफर कर दिया, उसमें किस प्रकार की दिक्कत थी? वो बच्चे का एक तो पेशाब की थैली पेट से बाहर है, जो कि पेट के अंदर होना चाहिए नॉर्मली, एवं पेशाब की नली और लिंग भी ठीक से नहीं बना है उसको। और उसमें इस प्रकार की विकृति वाले बच्चे 1000 में कितने होते हैं? इस प्रकार के विकृति वाले बच्चे 1000 में एक या दो ही हो पाते हैं। तो ये आपके कार्यकाल में आपने बताया कि पहला केस आया? हाँ, मैं 4 साल से SMCU अशोकनगर में पदस्थ हूँ, ये इस तरह की विकृति वाला पहला बच्चा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या साइंस में है? हाँ, इसका ऑपरेशन होगा, उसको अंदर किया जाएगा, पेशाब की नली को बनाया जाएगा फिर से, और उसका जो पेशाब की थैली बाहर है उसको अंदर करके और सिल दिया जाएगा। यानी नॉर्मल हो जाएगा बच्चा? बहुत नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। समय लगेगा। कितने, 1-2 दिन का है? 1 दिन का बच्चा? अभी 1 दिन का। कितना वजन था? वजन है 2 किलो 400 ग्राम।